वंस अगेन वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई हुई है शिक्षक के पदों पर तथा गैर शिक्षकीय पद के जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। और गैर शिक्षकीय पद भी आई है जिसमें से स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला परिचारक, विद्युत सहायक और माली और TGT और प्राचार्य के पदों पर वैकेंसी आई है। तो चलिए डिटेल में बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत। नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल का घंटा जरूर दबाइए ताकि जब भी इस वीडियो तक इस जब भी चैनल पर नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कौन से पद के लिए कितने वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो फिलहाल अभी मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ शिक्षकीय पद के लिए। गैर शिक्षकीय पद के लिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं डिटेल में बता सकूं। और कोशिश करूंगा कि इसमें अगर वीडियो लंबी बन जाती है तो कोई बात नहीं, पूरा कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सब चीज़ बता सकूं। अगर लंबी हो जाती है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहली बात देख पा रहे हैं यहाँ पर है ना, जो अभी वैकेंसी आई हुई है वो कार्यालय सहायक आयुक्त सचिव जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला धमतरी। ओके, धमतरी के द्वारा यह पोस्ट निकाला गया है जिसमें से जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होता है, अगर जानते होंगे आप है ना, तो एकलव्य आवासीय विद्यालय पथरीडी में जो है ना इस स्कूल के नाम वो जिला धमतरी में है और उस स्कूल के लिए पद पर वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स अच्छा खासा सैलरी है, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिलअप कर दें और स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। अभी हम पहली बात आपके पास मैं आवश्यक डेट बता देता हूं आपको, 25 जून इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 25 जून इसका लास्ट डेट है, शाम तक आपको इसको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ध्यान रखिएगा इसको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। सबसे पहले अगर आपको इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो www.dhamtari.gov.in सर्च कीजिए, वहाँ देखिए वहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है पहले उसको डाउनलोड कीजिए। ओके, वैसे मैंने लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप डेफिनेटली उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सा पद अभी आया है। ओके, तो देखिए एक पद है शिक्षक के लिए यहाँ पर प्राचार्य है ना, जो प्राचार्य का पोस्ट है वो एक ही पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन अभी देखेंगे हम लोग, पहले पोस्ट को देख लेते हैं कितना कितना पोस्ट है। अगर फ्रेंड्स अगर कोई वीडियो थोड़ा ब्लर आ रहा है तो मेरा आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि PDF का क्वालिटी ही थोड़ा सा ब्लर टाइप का है। ओके, तो चलिए और बात करते हैं। देखिए जो हिंदी की जो पोस्ट आई है उसके लिए दो पद हैं, ठीक, गणित का जो पोस्ट आया है उसके लिए दो पद हैं, अंग्रेजी का दो पोस्ट आया है उसके लिए दो पद हैं, ठीक, विज्ञान का एक पोस्ट, सारी पोस्ट हैं, सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट, संगीत टीचर जो होते हैं उसके लिए एक पोस्ट, कला क्राफ्ट शिक्षा के लिए एक पोस्ट, शारीरिक शिक्षा के लिए एक पोस्ट, ग्रंथपाल जो लाइब्रेरियन होता है उसके लिए एक पोस्ट, छात्रावास अधीक्षक जिसके लिए एक पोस्ट। ये तो सभी शिक्षकीय पोस्ट हो गए। अब जो गैर शिक्षकीय पोस्ट है, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला परिचारक, विद्युत सहायक, माली, यहाँ डिस्प्ले कर दिया गया है सबके लिए एक एक पोस्ट है और प्रयोगशाला परिचारक के लिए दो पोस्ट रखा गया है। तो फ्रेंड्स अभी क्वालिफिकेशन हम बताएंगे इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। भले पदों की संख्या कम है लेकिन एक रेगुलर भर्ती है और अच्छी खासी सैलरी भी है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ में और भी शिक्षक पद पर भर्ती होने जा रही है, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि कई लोग होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जानकारी नहीं हो पाती है और हम उसके लिए चूक जाते हैं। ओके, तो चलिए इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक स्पेशल योजना के तहत इस भर्ती को होता है जो कि संविधान के जो पैरा है ना, संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत जिले में आदर्श आवासीय विद्यालय की स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय हेतु पद संरचना में पदों की योजना के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप भरने की स्वीकृति प्रदान करने के फलस्वरूप एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथरीडी विकासखंड नगरी जिला धमतरी में निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आया हुआ है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ राज्य के स्थायी निवासी ही आवेदन कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, स्थायी निवासी हैं, वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्या क्या आवेदन में जैसे अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊँगा। ओके,
तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रचार्य की। जैसे कि हाँ मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, प्रचार्य के लिए एक पोस्ट है ओके, और ये जो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, अभी मैं आपको बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता क्या है इसके लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम 50% होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, बीएड या एमएड का डिग्री होना चाहिए, या तो बीएड हो या तो एमएड हो, कोई एक रहेगा तो चल सकता है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन हो गई। और न्यूनतम अगर एज की बात करें तो 23 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होने चाहिए इसका एज। ठीक है, और ये इसका जो वेतन बैंड है ये प्रतिनियुक्ति पर होगा ओके। अब हम बात करेंगे TGT, जो TGT की पोस्ट आई हुई है ना। TGT उसको कहते हैं जो मिडिल स्कूल के टीचर होते हैं, और PGT उसको कहते हैं जो हायर सेकेंडरी के टीचर लेक्चरर होते हैं ओके। तो TGT का मतलब है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, मिडिल स्कूल के टीचर के पदों पर आई हुई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने कितने वैकेंसी है। देखिए सबसे पहले मैं बात बता दूँ कि जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संगीत और कला शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक पर के पद पर आई, उसके लिए पहले योग्यता बता देता हूँ ओके। योग्यता क्या है उसके बाद ही मैं पोस्ट बताऊँगा कास्ट वाइज ओके। तो देखिए अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो मैंने थोड़ा जूम कर दिया है, आपका कम से कम स्नातक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा बीएड की उपाधि होना चाहिए, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए। उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। तो 3 साल का ये अनुभव ही मांग रहा है उच्च श्रेणी शिक्षक पद पर। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ TET का कुछ लिखा नहीं है तो इसके बारे में कन्फर्म बताना मुश्किल है। हालांकि मुझे तो लगता है कि TET की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कुछ, ठीक है। लेकिन लास्ट में मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो कि समय समय पर जो निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए हैं वो सभी इसमें लागू किए जाएंगे ओके। तो फिलहाल बात की बात है लेकिन यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर दिए रहिए ओके। और इसका वेतन बैंड जो है मैं बता देता हूँ, अच्छी खासी सैलरी है, 34 से 35 हज़ार आपको मिलेगा इसका सैलरी, और 21 वर्ष से 35 वर्ष के व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएंगे ओके। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ की PDF का जो क्वालिटी है, जो ऑफिशियल जो आया है उसका थोड़ा ब्लर है, ठीक से आया नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आवाज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हिंदी का जो पोस्ट आया है उसमें 2 पोस्ट हैं, एक अनारक्षित का पोस्ट है और एक अनुसूचित जनजाति मतलब ST का पोस्ट है और एक जनरल का पोस्ट है, ठीक है। गणित का जो पोस्ट आया हो उसमें 2 पोस्ट हैं, ठीक है, 2 पोस्ट में से एक अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब जनरल, और एक अनुसूचित जनजाति ST के लिए है ओके। अंग्रेजी के लिए सॉरी अभी जो मैं बताया वो अंग्रेजी के लिए है ओके। उसी प्रकार गणित में भी आया है एक जो 2 पोस्ट हैं इसके लिए, अब 2 पोस्ट हैं, एक क्या है, एक अनारक्षित जनरल की है और एक अनुसूचित जनजाति ST के लिए है, गणित वाले के लिए ओके। अब बात करेंगे थोड़ा सा आवाज़ में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ना, PDF का क्वालिटी ही ऐसी है। तो विज्ञान 1 पोस्ट है वो भी जनरल के लिए है, जनरल में कोई भी अप्लाई कर सकता है और चाहे ST हो, SC हो, OBC कुछ भी हो, वो अगर आपका सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि होता है नहीं ओके। तो एक जनरल के लिए पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान भी एक जनरल के लिए पोस्ट है, संगीत भी 1 पोस्ट है उसके लिए भी अनारक्षित कोटा का है, कला शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक एक पोस्ट है उसका भी अनारक्षित है ना। इसमें ST SC OBC करके कुछ लिखा नहीं है, हालांकि कोई भी सिलेक्शन ले सकता है इसमें से, अगर आपका क्वालिफिकेशन है और आपका अच्छा परसेंटेज है तो ले जाएगा ओके। अब देखिए इस पर जो अब मैं बता देता हूँ, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक जो व्यायाम शिक्षक होते हैं उसके लिए कुल 2 पोस्ट हैं, हालांकि यहाँ दिखा नहीं रहे, थोड़ा सा यहाँ ब्लर आ रहा है। उसके लिए कितने पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, एक है महिला के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, और एक है मेल कैंडिडेट के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है वो सिर्फ ST होगा, ठीक, और जो मेल कैंडिडेट है वो अनारक्षित जनरल होगा, ठीक, ऐसा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओके। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट वही है ना, 34-35 हज़ार आपकी सैलरी बनेगी और
पर्याप्त सैलरी है किसी भी रोजगार अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो। दूसरी बात करते हैं ग्रंथपाल। ग्रंथपाल मतलब होता है लाइब्रेरियन, इसके लिए एक पोस्ट है, एक पोस्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, एक पोस्ट है और वो भी अनारक्षित कोटा का है। आप अप्लाई कर दीजिए, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, जो भी हो आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन हम देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ बी लिव मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ना, वो उसकी उपाधि होनी चाहिए अथवा इसके समकक्ष जो अन्य उपाधियाँ हैं वो होनी चाहिए। पुस्तकालय सहायक के रूप में 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसके अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो डेफिनेटली इसको अप्लाई करिए। बढ़िया जॉब है और आपको डेफिनेटली अगर आपके पास है तो भूलिएगा मत, समय से पहले आपको अप्लाई कर देना है। 25 बताया मैं उस विदिन डेट आप तक आपका फॉर्म वहाँ सबमिट हो जाना चाहिए। सहायक छात्रावास अधीक्षक जो सब कोई जानते हैं, एक पोस्ट है इसका, अनारक्षित कोटा का है और 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से और 3 वर्ष के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में न्यूनतम 50 विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए स्नातकोत्तर मतलब स्नातक में है ना, स्नातक में ग्रेजुएशन में, और अन्य जो एक्स्ट्रा है वो है 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट आपने काम किया हो। ओके, इसका भी वही पे बैंड है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आवश्यक जो जानकारी हुआ उसको मैंने आपको दिया क्वालिफिकेशन को लेकर और कास्ट वाइज पोस्ट को लेकर इस। ओके, गैर शिक्षकीय पद के लिए मैं थोड़ा सा दूसरा वीडियोज़ बनाऊंगा और अन्य जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस फॉर्मेट में आपको जो भर के भेजना है, ठीक है, चाहे आप गैर शिक्षकीय पद के लिए भर रहे हो, चाहे शिक्षकीय पद के लिए भर रहे हो, चाहे प्राचार्य के लिए भर रहे हो। ओके, और ये आपको मिल जाएगा dhamtari.gov.in के वेबसाइट पर, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से भी डायरेक्टली आपको डाउनलोड करने का मौका मिल जाएगा। और इसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए और बाई पोस्ट आपको भेजना है विद इन टाइम। ओके, तो चलिए बात करते हैं और कुछ। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप इसको भेजेंगे है ना, भेजेंगे जब आवेदन करके भेजेंगे तो 5-5 रुपये का डाक टिकट लगाकर स्वयं का पता लिखा हुआ 2 खाली लिफाफा संलग्न किया जाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सारी जानकारी आप खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मुझे एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत नहीं है और सारी जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है सबको उसमें भर के भेज देना है। और जो समय समय पर रोजगार, देखिए एक और चीज़ है, जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए किसी भी ज़िले के रोजगार पंजीयन किसी भी ज़िले के रोजगार कार्यालय में होना चाहिए है ना, तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एसटी से हैं तो आपका निश्चित रूप से होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, तभी वो कास्ट के अंदर माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ओके, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और कोई भी इस तरह का, मुझे नहीं लगता है, इसमें आप सारी जानकारी खुद से भी पढ़कर समझ सकते हैं। और 25/6/2019 को सायं 5 बजे तक आपका आवेदन वहाँ निश्चित रूप से पहुँच जाना चाहिए। ओके, भर्ती की अन्य नियम और शर्तें कार्यालय सूचना पर देखी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, अन्य नियम और शर्त तो छत्तीसगढ़ में जो समय से जारी हों वो भी लागू किए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ और भी जैसे कि डीएड के लिए होता है एलिजिबिलिटी होते हैं डीएड वाले कि वो लोग वर्ग 2 के शिक्षक बन सकें, हालांकि यहाँ कुछ लिखा नहीं इसलिए मैं अभी आपको कन्फर्म नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। और बात करेंगे चयन किसी भी स्तर पर आवेदक को अनहर अगर आपका लगता है, आपको संदेहास्पद है तो वहाँ पर छानबीन की जा सकती है, और इस तरह हालांकि कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। और जो भी भरे जानकारी सही सही और समय पर फॉर्म भर दें, सही सही जानकारी भरें और भेज दें उसको। ओके, और अगर आपको ये चीज़ कभी नहीं किया है, आप अगर कभी नहीं फॉर्म भरे हैं, ऑफलाइन फॉर्म कभी नहीं भरे, डाक टिकट से कैसे फॉर्म भेजना है, तो किसी का मदद ले सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हैं, जो साइबर कैफ़े में फॉर्म भरते हैं जहाँ से जनरली, वहाँ से मदद ले सकते हैं, वहाँ से पूछकर आराम से फॉर्म फिलअप करके भर सकते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है भरने में, हालांकि यहाँ कुछ नहीं है, 1/1/2019 को कितना वर्ष हुआ आपको यहाँ लिखने में थोड़ा सा समस्या आ सकता है। हालांकि मैंने इसके लिए मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएंगे कि किसी भी डेट पर अपना एज कैसे निकालते हैं, वो सारी जानकारी मैं बता दिया हूँ। सारी चीज़ें जो जो पूछा गया सब चीज़ भरिए, कोई भी चीज़ खाली मत रखिए। ओके, और मुझे और जो भी आपका एक्सपीरियंस है सारा चीज़ है इसमें, भर के अच्छे से
रीड करके और इसका एक फ़ोटो कापी अपने पास रखिए और ओरिजिनल पेन से लिखा हुआ उसको आप भेज सकते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, इस वीडियोज़ में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना स्टडी जारी रखें। किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।